नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रूरल फाइट और मैं हूं आपका अपना सोम दैया। सो आज मैं पहुंचा हूं शहीद सिद्धकाम राज के उच्च विद्यालय पुर। यहां पर सत्य वेलफेयर एनजीओ ने एक परीक्षा का आयोजन किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि 8 मार्च को सत्य वेलफेयर द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जाना था, तो मैंने पहले ही बताया था। चलिए एक बार स्कूल की तरफ दिखाइए, एक बार स्कूल देख लेते हैं और फिर मैं आपको मिलवाता हूँ सत्य वेलफेयर एनजीओ के सदस्यों से और देखते हैं उनकी क्या व्यवस्था है और कैसी क्या व्यवस्था चल रही है और कैसे उनका एग्ज़ाम चल रहा है। तो चलिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए एक बार सारी व्यवस्था को दिखाएँ। हाँ ना, चलने दे, आओ देख लेते हैं एक बार कैसी व्यवस्था है। एक बार पंडाल का रुख किया जाए। अच्छा पंडाल लगाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। स्टॉप कर कैमरामैन, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार। तो सबसे पहले एक बार स्कूल की व्यवस्था देख लेते हैं। स्कूल बहुत अच्छा लग रहा है और ग्रीनरी देखने लायक है और यहाँ बाइक वगैरह और कार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ काफ़ी भीड़ रही होगी एग्ज़ाम के अंदर, और देखेंगे अंदर चल करके कि एग्ज़ाम में कितनी भीड़ है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हाँ, तो यहाँ सबसे पहले तो देख लेते हैं। हाँ, कुछ बैजेज लगाए हुए सत्य वेलफेयर एनजीओ के सदस्य दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? सर फाइन। तो जैसा कि हमें पता चला है कि सत्य वेलफेयर एनजीओ ने एक परीक्षा का आयोजन किया है, तो कैसी क्या परीक्षा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। लगभग 250 परीक्षार्थी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है और बड़ा अच्छे शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। परीक्षा कितने बजे शुरू हुई सर? 9:30 बजे शुरू हुई थी। वैसे 9:30 का टाइम था, कुछ सर्दी के कारण कुछ बच्चे बाहर से भी दूसरे गाँव से भी आए हुए थे, आने थे, तो इसलिए आधा घंटा का लेट। टेक्निकल इश्यू कह सकते हैं हम, टेक्निकली आधा घंटा लेट शुरू हुई है। हाँ। अच्छा, और यहाँ पर जो बच्चे हैं और जो यहाँ पर टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है वो ऑलमोस्ट यहीं से हैं या फिर बाहर से हैं, किसकी ड्यूटी लगी हुई है? नहीं, ऑलमोस्ट दूसरे गांव से लिए गए हैं। गांव का नए हो, इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए इस चक्कर में हमने बाहर से सभी टीचर्स को अलॉट करवाया है। अच्छा, तो चलिए एक दो सदस्य से और बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको सत्य वेलफेयर एनजीओ में आज इस परीक्षा के अंदर? बहुत ही बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो ये ऐसा प्रोग्राम है, ये जातिवाद से ऊपर उठकर, और ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। इसमें आसपास के गांव जैसे कि पुरसीवाड़ा, कुंगड़ बैणी, आसपास भवानी खेड़ा भी की बार सबमिट कर रखा है इसमें, और ये अपने यहाँ पे बच्चों की परीक्षा की जाती है और सब देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, और अब की बार जो बच्चे हैं पिछली बार से ज़्यादा हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए एक बार मनदीप जी से बात करते हैं। ये यहाँ के एक तरह से मैं कहूँ इस प्रोग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो मनदीप जी, इस परीक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ पे बहुत अच्छी परीक्षा हो रही है। एक एनजीओ की एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है और इससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और बाहर से आए हुए हैं बहुत स्टूडेंट और शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। चलो चलिए एक बार अंकल जी से और रुख करते हैं, अंकल जी से बात करते हैं। यहाँ परमानेंट ड्यूटी दे रहे हैं, तो अंकल जी आपका आपको नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार भाई। हाँ जी, क्या कैसी क्या व्यवस्था और आप अपनी कैसे ड्यूटी दे रहे हैं? भाई बहुत अच्छी व्यवस्था, बच्चे अच्छे आराम से पेपर दे रहे हैं। और आपकी क्या ड्यूटी लगाई हुई है सर? हमारी ये ड्यूटी लगाई हुई है, कोई इनको नकल ना दे, डिस्टर्ब ना करे, और जो बच्चा इधर उधर घूम रहा है उसको एकांत में रखें। तो ये जैसे सत्य वेलफेयर एनजीओ है, एनजीओ फ्री में काम करती है, तो आप अपना फ्री में यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर? फ्री में। ओके, थैंक यू। चलिए एक बार एग्जामिनेशन हॉल को और देख लेते हैं कि वहाँ क्या व्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था को और जान लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसी यहाँ की व्यवस्था है सत्य वेलफेयर एनजीओ ने जो परीक्षा करवाई है। एक बार एग्जामिनेशन हॉल में आइए, एक बार सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, उत्तम। कैसी चल रही है परीक्षा? परीक्षा एकदम सही सहज रूप से चल रही है। बच्चे अच्छा, जैसे 10th के या 12th के एग्जाम चल रहे हैं उनमें बहुत चीटिंग वगैरह होती है, नकल वगैरह होती है, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई फैसिलिटी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे अपने जिस तैयारी से आए हैं वैसे रूपरेखा दिख रही है आपको भी। अच्छा। बड़े शांति प्रिय से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, यही उम्मीद करते हैं आपसे, शांति प्रिय चलती रहे और एक अच्छी परीक्षा जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, बिल्कुल एक अच्छे पारदर्शिता है इस परीक्षा के अंदर। ओके, थैंक यू सर। चलिए दूसरे रूम में और देखते हैं।
यहाँ बच्चे बिल्कुल आराम से परीक्षा देते हुए और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यहाँ और सत्य वेलफेयर एनजीओ के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सोमदत्त जी। सर आपका दारुरल फाइट में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज की जो व्यवस्था है, जो एग्ज़ाम जो चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बच्चे हैं बहुत शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे हैं। आज ही नहीं, हर साल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है, जो बच्चे अनुशासन में आते हैं, आस पड़ोस या जो गांव हैं, 12 गांव के बच्चे आते हैं, लगभग 225 के आसपास बच्चे आज उपस्थित हैं। थोड़ा सा मौसम ख़राब होते हुए भी आज बच्चों ने काफ़ी उत्साह दिखाया है इस परीक्षा में, और हमारे जो सभी सदस्य हैं वो बिल्कुल लगन से अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। और तो जैसे HSSC की जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर अलग से जैसे वो OMR होती है और थंब इम्प्रेशन वगैरह जो सारे होते हैं, क्या वो सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे करवाई जाती हैं? बिल्कुल, जो बिल्कुल HSSC जो एग्ज़ाम लेती है ही उसी बेस पे हम ये परीक्षा जो लेते हैं और तैयार करवाते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स जो होते हैं HSSC के, जो पेपर की जो तैयारियाँ कराते हैं एक्सपर्ट काफ़ी बाहर से, वो इस पेपर को बनाते हैं। और अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इस परीक्षा को रखने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका इसका? हमारा ये उद्देश्य है, अब से कुछ सालों पहले केवल शहरी बच्चे ही कई ये जो जॉब्स हैं उनको प्राप्त कर पाते थे। आज देखिए हमारा जो गांव है पुर, आप उसमें इसी लेवल पे नहीं, स्कूली लेवल पे भी देखिए, जो पिछली बार हरियाणा में टॉप आया था वो दीपक चौहान प्लस टू में, वो भी इसी गांव से था। और यही नहीं, आसपास के सभी गांव के बच्चे, जैसे शिवाड़ा है, कुंगड़ है, तालू है, झटलुआरी है, भवानी खेड़ा भी अब की बार है, सभी बच्चे काफ़ी लगन से पढ़ने लग गए हैं। और जब से ये परीक्षा, अब अपनी ये जो परीक्षा है सत्य वेलफेयर NGO द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा है, हम चाहते हैं कि यहाँ काफ़ी प्रतिभाएँ उभर के आएँ, और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी निकल के आया है, देखा है, जिसे बच्चों को पता लग जाता है कि भाई ये परीक्षा इस डेट को आने वाली है, तो बच्चे स्पेशल इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो पहले, जो कुछ समय पहले जो केवल शहरों के बच्चे आगे निकलते थे, अब हमारे जो गांव के बच्चे हैं वो प्रतिभाएं निकल के आए आगे, और हम जो ग्रामीण जो प्रतिभाएं थी वो दबी हुई थी, उनको हम उबारने का काम कर रहे हैं, हमारा यही उद्देश्य है। और जैसे यहाँ पर हर साल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशन प्राप्त करता है, मुझे जहाँ तक खबर मिली है कि वो बंदे ऑलमोस्ट नौकरियों में लग चुके हैं। डेफिनेटली, आप मेरे पास, हम सारा रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा कलेक्शन रखते हैं। बिल्कुल, डाटा कलेक्शन है, चाहे RTI लगा के देख लेना, हमारे पास सारा डाटा मिलेगा। और हम मार्क्स भी बता देंगे पिछले सालों के कितने थे, और संज्ञान में है, मेरे सारे बच्चे भी संज्ञान में है। और यही नहीं कि हम हमारे गांव पुर से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले, जो भी बच्चा इसको डिजर्व करता है हम उसी को इनाम देते हैं। और बिल्कुल ये डेफिनेटली है कि जो बच्चा इसमें पोजीशन जो टॉप चार ही नहीं, टॉप चार ही नहीं कि जो 10 तक बच्चे, 8-10 तक जो बच्चे आते हैं वो मेरे संज्ञान में बहुत अच्छे, बहुत अधिक ऐसे बच्चे हैं वो अपनी जॉब को प्राप्त, अच्छे अच्छे, ये नहीं कि ग्रुप डी है, सी है, बी तक भी, जो ग्रुप बी की जो नौकरियां हैं वो भी प्राप्त कर चुके हैं। और कई तो ऐसे बच्चे हैं, जैसे हमारे एक सोनू जांगड़ा है, पहले ग्रुप डी में लग गया, अब उसको कुछ समय पहले JEE में लग गया है, तो हमें गर्व भी होता है, बड़ी खुशी होती है, हमें कॉन्फिडेंस भी, हम आत्मविश्वास बढ़ाती है ये बातें। चलो, थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे भी डिस्टर्बेंस हो रहे होंगे। चलिए और व्यवस्था देख लेते हैं सर, आइए भी। हाँ चलिए, यहाँ के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनसे भी एक बार बात करेंगे। और एक बार इस रूम की तरफ दिखाइए, यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है, एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं। बच्चों कैसी चल रही है परीक्षाएं? मस्त चल रही है। पर्ची वर्ची लेके आए हो? नहीं सर। है तो एक बार दे देना सर को निकाल के। नहीं, अच्छा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसी चल रही है परीक्षाएं? बहुत शांतिपूर्वक चल रही है और अच्छी चल रही है। कोई कोई नकलची बंदर भी मिला आपको? नहीं नहीं नहीं, बड़े ही होनहार छात्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सत्य वेलफेयर की ये बड़ी अच्छी पहल है इसमें। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा गाँव लोहारी जाटू है,
मैं तो ये मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ के जो फैकल्टी है वो सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ सेंट्रलाइज पूर पे सेंट्रलाइज है कि पूर की होनी चाहिए, बाहर से भी फैकल्टी को हायर किया हुआ है। नहीं, पूरी पारदर्शिता है, अच्छा काम चल रहा है और बच्चे काफ़ी बच्चों में इसके प्रति काफ़ी क्रेज है और बहुत अच्छा चल रहा है। चलो थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आप इस परीक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीण परिवेश के अंदर इस तरह की परीक्षा का होना एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि खास करके आप लोग देख रहे होंगे जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतलब लड़कियां हैं, वही लोग भी मतलब यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। यानी आगे जब भी उन्होंने कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठना होगा तो जो है कि हिचक ही होती है, वही सारी चीज़ें मतलब निकल जाती हैं और एक दूसरे के साथ संगठित होना ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश में इस तरह की चीज़ें जब हो रही हों। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गांव सिवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री में जॉब करते हैं आप? अच्छा। कहाँ पोस्टिंग है सर? मेरी जीवीडी बैनी जाटा। अच्छा, आप वीएलडी है? हाँ, वीएलडी सर। ओके सर, तो यहाँ पर एक टीचर को मैंने बात की सिवाड़ा से, एक टीचर से बात करी जाटुलवारी से, तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको मैं समझ सकता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी और सभी गाँव को इन्वॉल्व किया हुआ है। चलिए और देख लेते हैं, थैंक यू सर।